ऐसे इंसान का परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है जो समाज को, संसार को अपने गुणों का योगदान अपना फर्ज समझ कर देते हैं और बदले में अपने नाम तक की इच्छा नहीं करते। पापा के व्यक्तित्व और कृतित्व को जब देखती हूँ तो गर्व से भर उठती हूँ। ऐसा उजला व्यक्तित्व आज के समय में देखने को नहीं मिलता। जिस शांत भाव से वो मूल्यों को धारण करते हैं सच में प्रशंसनीय है। जीवन में आने वाली सभी घटनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं और हर तरह के विचलन से अपने आप को अछूता रखने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखते ही हर कोई उनका कायल हो जाता है। जब मैंने मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उर्दू की परीक्षा पास की तो मुझे इस बात का बड़ा झटका था कि मेरे पास आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनसे मैं उर्दू के ताल्लुक से बातचीत कर सकूं, पूछ सकूं। लेकिन अचानक एक दिन मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति की मुझे तलाश है वो तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया और जिनका नाम डॉक्टर राणा प्रताप गनौली जी हैं, वो एक उर्दू के MBA के साथ साथ एक बेहतरीन शायर भी हैं। तो मैं जब उनके पास गया, उनसे गालिब की गजल समझने के लिए गया और उन्होंने जिस लहजे में मुझे गजल को समझाया मैं उसका कायल हो गया, मैं गदगद हो गया कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे पड़ोस में इतने अच्छे व्यक्ति रहते हैं। और उसी दिन से उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और गुरु जी कह के पुकारता हूँ। यकीन करना मुश्किल सा लगता है मगर आज भी ऐसे गुदड़ी के लाल हैं जो गीता के सिद्धांत को सीधा सीधा मानते हैं कि कर्म करना है फल की इच्छा किए बिना। गनौरी साहब इसकी जिंदा मिसाल है। डॉक्टर राणा प्रताप सिंह गनौरी पूरा नाम। I even got a chance to know about other members of the family very politely. So his influence can be seen on each and every person of his family. They too have, you know, radiance or the shadow of him, and they really make it a point even the family that yes, they come up to his expectations. Though it's not possible to go up to his level is quite too high, but still everybody tries to go for that. नमस्कार, मैं गुलशन मदान मुंबई से। डॉक्टर राणा प्रताप सिंह राणा गन्नौरी मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक व्यक्ति नहीं, वो मेरे लिए एक मंत्र है, महामंत्र है, गुरु मंत्र है और एक संस्था है। मैं तो इन गुमनाम अंधेरों में खो जाता कहीं, राणा गन्नौरी जो मेरे रहनुमा होते नहीं। ये तो हुई मेरे व्यक्तिगत संबंधों की बात, लेकिन डॉक्टर राणा गन्नौरी उनके अपने भी बहुत बड़े बड़े काम हैं, उन्होंने किए हैं। उन्होंने हिंदी मुद्दाई कोश और मेघदूत जैसी महाकाव्यों का उर्दू संस्कृत से उर्दू में अनुवाद किया है, अपने आप में अनूठा है। साहित्य जगत में आपका बेमिसाल योगदान है, दर्जनों किताबें आपकी कलम से पैदा हुई हैं और 20वीं इनाम आपके पास आकर खुद पर इतरा रहे हैं। राणा प्रताप गनौरी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इतना योगदान किसी और साहित्यकार ने नहीं दिया जितना उन्होंने दिया है। उनकी एक रचना मुल्तानी में शिकवा जवाब, शिकवा का तो कोई जवाब भी नहीं। उन्होंने एक शब्दकोश लिखा है, हिंदी मुल्तानी शब्दकोश, बहुत अच्छा है, कई पीढ़ियां याद करेंगी। और भी ढेर सारी अनगिनत उन्होंने किताबें लिखी हैं। देखती हूँ कैसे वो आज की उम्र में भी एकदम डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। नायर जी परिवार में हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ पॉजिटिव एनर्जी महसूस करती हूँ। जब भी मैं उनसे मिलने आती थी, बच्चे साथ नहीं होते थे कभी, तो तारा जी बोलते थे बेटा बच्चों को साथ लाया करो, ऐसे ही वो परिवार को समझेंगे जानेंगे। अब मैं जब भी आती हूँ बच्चे मेरे साथ होते हैं, बच्चों को भी उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है और उनका यही अपनापन बहुत अच्छा लगता है। मोहतरम डॉक्टर राणा गन्नौरी साहब के बारे में बात करते हुए एकदम ये मिश्रा जहन में वार्द होता है
कि सफीना चाहिए इस बहर बेकरार के लिए। उनकी किस किस खूबी का जिक्र किया जाए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है। बाहर कैफ इसमें दो राय नहीं है कि वो एक हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं। वो एक ऊँचे पाए के शायर, मुहक्कक, नाकिद, नसर निगार और मुतरजम तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही एक शरीफुल नफ्स मरंजा मरंज इंसान भी वाक़ हुए हैं। उनसे मिलकर या उनके पास बैठकर मुझे हमेशा मसर्रत हासिल हुई है। ऐसा उस वक्त भी हुआ जब मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जूँ जूँ उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता रहा और उनकी दरसी, तकदीसी और अदबी काविशों के बारे में मालूम होता रहा तो हैरानी भी होती रही और खुशी भी। मैंने यह पाया कि दानो साहब अपने पेशे और अपने शौक दोनों से पूरी तरह से ईमानदारी और वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके शागिर्दान से जब उनकी तारीफ सुनते हैं तो रश्क भी होता है और खुशी भी। महाकवि कालिदास रचित मेघदूत का अनुवाद आपने उर्दू शायरी में किया है, जिसको हिंदी और उर्दू अदब में खास मुकाम हासिल है। जितना श्रम और समय उन्होंने तज़किरा शोराए हरियाणा को रचने में दिया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी यह ग्रंथ सम्मानित हुआ, पापा को फखरे हरियाणा का सम्मान मिला। मेघदूत की उर्दू काव्य में रचना अपने आप में अनूठा प्रयास है। ये ग्रंथ भी सम्मानित हुआ। सम्मान तो बहुत मिले हैं पर इन दोनों का उल्लेख मुझे ज्यादा जरूरी लगा। उनका हर शब्द श्रोताओं के दिल तक पहुंचता है, अमिट छाप छोड़ता है, भुलाई नहीं भूलता। डॉक्टर राणा प्रताप सिंह मेरे हम वतन भी हैं और ख़ास तौर पर इसी नस्बत से मुझे एक छोटे भाई की तरह बेहद अजीज भी हैं। हालांकि उनका अदबी कद जो है वो बहुत बालातर है। राणा जी और मेरा ताल्लुक, जैसा कि मैंने बताया कि हम वतन हैं, हमारा जो सराइकी खित्ता है पाकिस्तान में वो हमेशा बेहद जरखेज रहा है। इस सरजमीन ने बेशुमार अदबी अदीब और शायर और मुहक्किक जो हैं पैदा किए हैं। डॉक्टर गोपीचंद नारंग, प्रोफेसर उदय भानु हंस, डॉक्टर ताहिर तौसवी, फिक्र तौसवी, मुंशी तलोकचंद महरूम और प्रोफेसर आज़ाद गुलाटी, बेशुमार मशाहिर का एक लंबा कारवां है इस इलाके से जिनका ताल्लुक रहा है। राणा जी और मेरा दोनों का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। राणा जी आला तालीम याफ्ता हैं और वसीउल मुतालिया भी हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है आपने एक स्कूल में मुलाजमत करते हुए वहाँ की दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हुए आपने अदीब फाजिल यानी आनर्स इन उर्दू और फिर प्रभाकर यानी आनर्स इन हिंदी और उसके बाद फिर हिंदी, उर्दू और संस्कृत तीन ज़बानों में प्राइवेट तौर पर तैयारी करके एमए की असनाद हासिल की और उसके बाद फिर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से आपने हिंदी में पीएचडी की और बाद जहां उसी हुसूल याबी की बिना पर
आप RKST कॉलेज कैथल में आपका तकरर हुआ बतौर लेक्चरर, जहां से आप 1998 में सुपर एनुएशन पर आप सुपकदोष हुए। बहुत मेहनत करते हैं आप और बहुत लगन से आप काम करते हैं, बहुत तो खुशी की बात है। परमात्मा ने, खुदा ने आपको तौफीक दी है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ आप करते हैं, और बहुत उसका नतीजा भी यही होता है कि आप बहुत अच्छी तख्लीकात आप देते हैं अहले अदब को। और आपको आपकी इन हसूल जाबियों के एतराफ़ के तौर पर, एतराफ़ और एहतराम के तौर पर मैं कहूँगा, बेशुमार इनामात व एजाजात से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें हरियाणा उर्दू एकेडमी का ख़ास तौर पर फ़ख्र हरियाणा अवार्ड जो है वो वाकई एक नुमाया हैसियत का हामिल है, जिस पर आपको वाकई फ़ख्र होना चाहिए। आप वाकई फ़ख्र हरियाणा हैं। आपकी लेखनी के जौहर हिंदी, उर्दू और सराइकी अदब के हर अदारे में फ़ख्र से आपका सर ऊंचा किए हुए नजर आते हैं। गोद चाहे नानी की हो या दादी की, जिंदगी की कहानी की कामयाब इबारत किसी नारी के बोल से ही शुरू होती है। मेरे मुल्तानी हिंदी शब्दकोश की कहानी, मुझे इस शब्दकोश को तैयार करने की प्रेरणा मेरी मातृशक्ति से मुझे मिली है। सबसे पहले तो तकरीबन एक आधी सदी पहले अपनी बुजुर्ग दादी, जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं, अनपढ़ थीं, उनके मुख से एक वाक्य मैंने सुना था कि हर आदमी अपनी इज्जत दी खातिर कम करें दे। ये इज्जत शब्द जो फारसी का है और इज्जत का छोटा रूप है, उनके मुख से इतने शुद्ध उच्चारण के साथ सुनकर मैं दंग रह गया था और मुझे महसूस हुआ था कि हमारी बोली में उर्दू फारसी के शब्द बहुत गहराई तक घुले मिले हैं। आगे चलकर जब हिंदी उर्दू साहित्य की सेवा करते करते मुझे एक दिन एहसास हुआ कि स्कूल जाने से पहले मेरी मां ने मुझे जिस बोली की घुट्टी डाली थी और जो बोली मुझे बगैर किसी कायदे किताब की सहायता से पढ़ाई सिखाई थी, उसका ऋण तो ना उतला, तो मैंने तभी से मन में संकल्प कर लिया था कि मैं अपनी मां बोली का ऋण उतारूंगा। इसके लिए मैं शब्द इकट्ठे करता रहा, मुहावरे इकट्ठे करता रहा, लोकोक्तियां इकट्ठे करता रहा, और जो मुल्तानी के कवि मेरे आसपास थे उनके कलाम को बहुत ध्यान से सुनता रहा। वो मंच पर कुछ सुना रहे होते थे और मैं उनमें से काम के शब्द नोट करता रहता था। अपनी माँ बोली का कर्ज अदा करने का आपका जज्बा, आपकी जबानी और आपके मुरीदों की बयानी, वो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के अपनी जबान में बड़ी सादगी और सरलता से करते हैं। यह आसान सा दिखने वाला काम वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। फिर इस बीच में मुझे कई विद्वानों के मुख से यह सुनने को मिला कि मुल्तानी बोली ऐसी बोली है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसका सबसे पुराना नाम लहदा भाषा है और इसका वर्तमान नाम सराय की जुबान है। तो उन विद्वानों के मुख से मुझे ये सुनने को मिला कि इस भाषा या इस बोली के तकरीबन एक तिहाई शब्द गुरु ग्रंथ साहब में शामिल गुरुवाणी में मौजूद हैं। फिर मैंने देखा कि बाबा शेख फरीद शकरगंज की मार्फत की शायरी के अंदर भी मुल्तानी का बहुत बड़ा लफ्जों का खजाना मौजूद है। बाबा बुल्ले शाह, बाबा गुलाम फरीद, इन सब के कलाम में
मुल्तानी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है, तो मेरा सिर फख्र से ऊंचा हो गया कि मैं किसी ऐसी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी भाषा का शब्दकोश बनाने नहीं जा रहा हूं जो पिछड़ी हुई भाषा है या ऐसी भाषा है जिसे बोलते हुए हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें संकोच करना चाहिए। खैर, मैंने शब्द इकट्ठे किए, उनको तरतीब दिया, उनके साथ व्याकरणिक नोट जो होते हैं, जैसे ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, या किस भाषा से आया है, इसकी सूचना भी उसमें देने के क्रम में मैंने सारा श्रम लगाकर शब्दकोश के नियमों के अनुसार कोश तैयार कर लिया। आपकी जादुई कलम से निकला आपका अजीम और काबिले सजदा शाहकार मुल्तानी हिंदी शब्दकोश आपके चाहने वालों की कतार में इजाफा करता है। माँ बोली का ऋण उतारने के लिए मुल्तानी हिंदी शब्दकोश की रचना भगीरथ अनुष्ठान से कम नहीं है। जैसे साहित्य सृजन ही उनके जीवन का उद्देश्य है। एक बात और कहता चलूं, मेरी इस बोली में, मेरी इस भाषा में जहां उर्दू फारसी के शब्द हैं वहां संस्कृत के भी 40% शब्द मौजूद हैं, और ये उस इलाके की जुबान है जहां कभी 2,500 वर्ष पहले आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्वयं पढ़ा करते थे और बाद में पढ़ाया करते थे, और उन्होंने वहीं से हमारे देश की अखंडता के रक्षक चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राट हमें दिए। इससे भी थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो मुझे ये जानने को मिला कि पेशावर के नजदीक या बलूचिस्तान की सीमा में कहीं संस्कृत का सबसे पहला वैयाकरण, फर्स्ट ग्रामरिस्ट ऑफ संस्कृत पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ था। जिस इलाके में ऐसे ऐसे महानुभाव, ऐसी ऐसी विभूतियां हुई हों और जिस संस्कृत भाषा के ये गौरव रहे हों, उसके 40% हमारी बोली में हों, तो मैं कैसे मानूं कि मेरी बोली पिछड़ी हुई है, मैं पिछड़ा हुआ हूं या मेरा इलाका पिछड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूं कि ये पिछड़ी हुई भाषा जिसको हम कह रहे थे, पिछड़े हुए लोगों की भाषा जिसको कह रहे थे, जब यह शब्दकोश छप कर आया तो मेरे मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने, बहावलपुर के लोगों ने इसका खुले हाथों स्वागत किया और इसकी प्रतियां अपने बुक शेल्फ में रखने के लिए खुशी जाहिर की, जिससे मुझे साहस मिला, उत्साह मिला कि मैंने एक काम का काम किया है। और उन्होंने सरायकी समाज वास्ते, मुल्तानी समाज वास्ते जिहड़ा ए मुल्तानी हिंदी शब्दकोश बनाए, ये शब्दकोश विश्व का पहला शब्दकोश है, साढ़े समाज वास्ते, साढ़े साहित्य वास्ते बहुत वड्डी उपलब्धि है, और सदियां तक उन्हां को याद किया वा सी ही कृति करके। तो मैं उन्हां दे स्वस्थ जीवन वास्ते, उन्हां दी दीर्घ आयु वास्ते और उन्हां को जिहड़ा है बल मिले, जिहड़ा ये साहित्य उन्हां दे च एक सरस्वती का निवास है, उन्हां दी मतलब वो जिहड़ा है कलम दे विच उन्हां दी चलदी रहे, इवें सब उन्हां दा आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हां मतलब परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। बहु गल्लां हैं उन्हां दे बारे, पर मैं एक जिहड़ी गल है सारी दुनिया जानती है, साडे घर शब्दकोश होंदे पर क्या कदाई असां अपने शब्दकोश दे मेरे ख्याल 5% भी जिहड़े अल्फाज हैं या वर्ड मीनिंग हैं आपां नहीं जानते। सोच के देखो कि डॉक्टर साहब ने जो काम किए उर्दू में लिटरेचर के हवाले, पर ये जिहड़ा काम है मुल्तानी हिंदी शब्दकोश हुंदा, मेरे को जवाब कहनी। मेरी खुशनसीबी है कि मैं राणा साहब को जानदा, मेरी खुशनसीबी है कि उन्हां दी मुहब्बत जिवें सारियां को मिलती है मेरे को भी मिली है। मैं बस इहो उम्मीद करें ना कि राणा साहब अपने जीवन में
इस नाल भी कोई वड्डा काम करन जो साकू होर खुशी थी वे उन्हां दा आशीर्वाद साकू मिलदा रहे उन्हां दा प्रताप इवें ही फैलदा रहे इन्हां दुआवां नाल शुभकामनावां नाल मेरी राम राम जी। विलक्षण प्रतिभा और सफलता के बावजूद विनम्रता और सादगी उनमें संस्कार की तरह रची बसी है और पढ़ाई के साथ साथ वो हमें मॉरल आध्यात्मिक और घरेलू हर चीजें पढ़ाते थे। यही नहीं कि हमें कक्षा में सिर्फ किताबी ज्ञान देते थे, उन्होंने सांसारिक ज्ञान भी हमको दिया। ऐसे इस तरह से वो पढ़ाते थे। एक वाक्य मुझे याद आता है कि एक बार शिमला के लिए एक टूर गया था जिसमें वापसी लौटते हुए चंडीगढ़ में रुकना था और वहां के दर्शनीय स्थानों को देखना था। एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई जिसमें ऑर्गेनाइजर ने उसको कह दिया कि जाओ तुम बस में जाओ। उनको जब पता लगा तो उनको बहुत बुरा लगा कि अनजान स्थान पर एक बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने ऑर्गेनाइजर से अपनी नाराजगी व्यक्त करी और नाराजगी के साथ इतना ही नहीं उस टूर को वो छोड़ करके और वापस दिल्ली चले आए। इतना उनको जो था बच्चों से प्रेम था। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय आदरणीय राणा साहब को देना चाहता हूँ। इसी प्रकार का जीवन मेरे श्रद्धे परम मित्र राणा प्रताप सिंह जी ने, जिनको विश्व के अंदर राणा गनौरे के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी अपना जीवन अंत आज की तिथि तक भी परोपकारी कर्म करते हुए सदा लोगों का कल्याण किया है। तुहाडी जेड़ी है लाइफ ते एक डॉक्यूमेंट्री बंदी हुई है, हुंदा एक छोटा जिया अदना जिया हिस्सा बनन दा भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझे ना कि मैं हिस्सा भी बना तो समय को मौका देता। शुक्रिया। तो ऐसा व्यक्तित्व इस महाविद्यालय में रहा है, उन्होंने यहाँ की सेवा की है, इस इलाके की सेवा की है और प्राध्यापक बनने से पहले उनका जो सेवा काल था एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के रूप में शुरू हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से डॉक्टर राणा प्रताप गनौरी या एक टीचर थे या एक साहित्य के प्रेमी थे, साहित्य के उपासक थे और एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में हम उनको याद करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर राणा प्रताप गनौरी जी और उनके परिवार को। धन्यवाद। और हम उनके शुभ स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हैं। यही शुभकामना करती हूँ कि इसी तरह अपने जीवन और साहित्य को संपन्न करते रहें। शुक्रिया। परमात्मा इनको स्वस्थ निरोगी दीर्घायु करे ताकि इस प्रकार की सेवाओं के द्वारा ये समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, इस प्रकार के कार्यों के द्वारा सदा सदा लोगों को प्रेरणा देते रहे, प्रकाश देते रहे। तो आई जस्ट होप दैट अंकल मे गेट बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ। ही इज ऑलवेज लाइक दिस एंड यस इट विल बी ग्रेट, ही विल कीप ऑन इंस्पायरिंग अस। थैंक यू। तो मैं कोश कार्य की दृष्टि से इसको एक उपयोगी शब्द कोश मानता हूँ। मैं रहूं न रहूं, मेरी उम्र के बुजुर्ग रहे न रहे, आने वाली पीढ़ियों को कभी जब जरूरत पड़ेगी किसी शब्द का अर्थ समझने की तो ये शब्दकोश भरकर उनकी मदद को आएगा।